मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। रिलीजियस ओसीडी, रिलीजियस ओसीडी में भगवान के प्रति कैसे भी विचार आ सकते हैं? ऑब्सेशन क्या होते हैं, रिलीजियस ओसीडी में क्या विचार होते हैं, ये भी जानेंगे। और रिलीजियस ओसीडी का मात्र 2 दिन में कैसे इलाज होता है वो भी आप जानोगे। तो हमारे साथ आज ऑफलाइन इलाज लेने के लिए पहुंचे हैं चंद्रगुप्त जी, और ये हैं द्वारका से। तो चंद्रगुप्त जी की समस्या रिलीजियस ओसीडी है। तो अभी चंद्रगुप्त जी आपको बताएंगे कि क्या क्या इनकी समस्याएं हैं, कैसे शुरुआत हुई और अभी ये किस अवस्था में हैं, फिर हम जानेंगे कि कैसे इनका इलाज होगा। जी चंद्रगुप्त जी, आपका स्वागत है कि आप ऑफलाइन इलाज लेने के लिए पहुंचे। थैंक यू सर। तो अब आप मुझे अपने बारे में पूरा बचपन से बताओ, कैसे शुरुआत हुई, क्या हुआ? सर मेरा नाम चंद्रगुप्त जी है। जी मुझे समथिंग सर 5 महीने से, 5 महीने पहले से ओसीडी है। जी मैं स्टडी करता हूँ। हाँ। और ऑटोमेटिक एक दिन मैं अपने घर से निकल रहा था। अच्छा। मंदिर के सामने सर मुझे एक विचार आ गया गंदा, और सर मैं जैसे ही लाइब्रेरी में बैठा तो मतलब मुझे, मैंने सोची ये विचार वैसी है नहीं आएगा, मतलब नॉर्मल है। हाँ। फिर सर मैंने खूब हटाने की कोशिश करी, लेकिन सर फिर मेरा आता गया। मैंने सर नहीं रोक पाया। उसके बाद सर काफी टाइम होगा, मतलब 1-2 महीने बीत गए जैसे मेरे। हाँ। इसलिए, लेकिन मैं हनुमान चालीसा भी पढ़ता था और डरता भी रहता था सर। अच्छा। लेकिन मुझे वहां मतलब कोई लाभ नहीं मिल रहा था उससे। सर थोड़ी हड़बड़ा। हाँ कोई, आराम से, आप आराम से रिलैक्स होके बताते जाइएगा, नो टेंशन, मैं बैठा हूँ ना। हाँ, कैसा विचार आया था, क्या विचार आया था, वो भी आप बता दीजिएगा। सर मेरी पढ़ाई बिल्कुल अच्छी चल रही थी, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। ऑटोमेटिक ही हमारे मतलब घर से निकलने के तुरंत ही मतलब 300 मीटर के पास शनिदेव का मंदिर है। जैसे मैं वहां से निकल रहा था मुझे एक विचार आया। पता नहीं वो मुझे नहीं पता, वो मुझे नहीं पता कैसे आया, क्यों आया। अच्छा, विचार क्या था वो? विचार सर सेक्सुअल थॉट था वो। जैसे भी आपके मन में कैसा सेक्सुअल थॉट आया, अभी आप क्या कर रहे हो या क्या हो रहा है? सेक्सुअल थॉट सर लिंग से संबंधित था। अच्छा, अभी आपको अपने लिंग से संबंधित आया। हाँ, मतलब बिल्कुल डर्टी, मतलब। हाँ कोई बात नहीं, विचार विचार होता है, आप उसको डर्टी भी ना कहें। आपके मन में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप उस विचार से घबराएं ना, और ना ही ये सोचें कि ये बताने लायक है या ना है, नहीं है। आप उसे बताते जाओ, क्योंकि अब आप मेरे पास पहुंच चुके हो, तो अब मेरी जिम्मेवारी है। अब आप जैसे कहते हैं ना, मेरे प्रति छोड़ दो, गुरु के प्रति समर्पण। अब आपने खुल के अपनी समस्या बता देनी है, उस विचार को पूरा जैसा आया वैसा का वैसा ही बता देना है। कहा जाता है ना, डॉक्टर और वकील से कुछ छुपाया नहीं करते। अगर वकील से छुपाएंगे तो केस कमजोर रह जाएगा, और डॉक्टर से छुपाएंगे तो बीमारी पूरी पकड़ में नहीं आएगी। फिर सर मैंने जो अपनी वो लाइब्रेरी चेंज कर दी। हाँ, लेकिन वो विचार क्या था, लिंग से संबंधित? लिंग से संबंधित मतलब सर, सेक्सुअल थॉट जैसा भी, मतलब एक स्त्री के साथ करते हैं। हाँ, वो लिंग से संबंधित था सर थॉट। अच्छा। हाँ, तो उसमें मंदिर का या शनिदेव का क्या लेना देना था? मतलब आपको ये लगता है कि आप मंदिर के सामने से निकले और उसी वक्त मन में विचार आ गया। हाँ जी, ये गड़बड़ हो गई। मुझे कोई समस्या नहीं थी, एक ही दिन मुझे आज से पांच महीने पहले मुझे एक दिन जाती भी रही, मेरी सही स्टडी चल रही थी। हाँ। मुझे बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं थी जी। मैं समथिंग 4 या 5 घंटे ही सो पाता था, मेरी मौज से बिल्कुल तनाव रहित, बिल्कुल स्टडी चल रही थी। अचानक एक विचार आया, मैंने सोची वैसी है, मैंने सोची इसे भगाने की कोशिश करी मैंने। हाँ। लाइब्रेरी जाती बेर तो ये नहीं रुका, मैं लाइब्रेरी में बैठा, मैं अपनी पुस्तक खोल कर पढ़ने लगा। हाँ। तो फिर बार बार आता गया, ऐसी समथिंग 1-2 महीने बीत गए, तो मैंने फिर लाइब्रेरी चेंज कर दी अपनी। लाइब्रेरी चेंज करने के बाद मगर किसी की नजर लग जाती है, मैंने ऐसा सोचा, मुझे कुछ नहीं पता था कि मुझे रिलीजियस ओसीडी हो गई है। मैंने सोची तो मुझे बच्चों की नजर वजर लग गई, ये ज्यादा पढ़ता है इसलिए, तो मैंने इस वजह से लाइब्रेरी चेंज कर दी। ओके। लेकिन मुझे फिर भी कोई आराम नहीं मिले, मेरे विचार ऐसे आते रहे। मैं फिर हनुमान जी के, माता रानी के, मैं फिर भजन सुनने लगा। अच्छा। पढ़ते वक्त। हाँ। फिर
फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च करा, यूट्यूब पे आपकी वीडियो देखी, ये रिलीजियस ओसीड संबंधित है। मैंने फिर भी इस पे मतलब खूब खोज करी, गूगल पे सर्च करा, मैंने अपन मतलब जितनी मेरे अंदर ताकत थी, जानने की जिज्ञासा थी मेरे अंदर, हाँ, वो मैंने अपनी पूरी जी जान लगा दी। और फिर मैं बीच लाइब्रेरी में से, जैसे मैं शाम को 6 बजे जाता था, फिर मैं घर 3 बजे जाने लगा। घर के पूछते भाई क्यों आता है तू इतनी लेट, मतलब इतनी जल्दी क्यों आ जाता है लाइब्रेरी से। मैं कहा वैसे ही मैंने अपने घरों से, घर वालों से छुपा के रखा ये बात। अच्छा, हाँ जी। उसके बाद फिर मैंने सोची भाई अब ये मंदिर तो है मेरे गांव में है, इसलिए मैं फिर मौसी के यहाँ चला जाऊँ। ओके, वहां तो ये मंदिर नहीं रहेगा। हाँ, अच्छा, आपने स्थान बदलने की सोची। स्थान मैंने बदलने की सोची। मेरी, मैंने अपनी मम्मी को भी, मम्मी जी को भी ये चीज बता दी थी। और मौसी जी से बात हो गई थी, लेकिन उनको नहीं बताई थी। फिर मैंने स्थान बदलने की सोची, मैं वहां पर चला गया। ओके, जैसे लेकिन मेरे मन में फिर भी एक विचार चल रहा था कि क्योंकि मैं अपनी मौसी के वहां पहले भी गया था, वहां के, वहां भी लाइब्रेरी में एक बार पढ़ा था, तो वहां के भी मंदिर मुझे याद थे। मेरे मन में फिर एक विचार आया कि उस मंदिर के बारे में भी आएंगे विचार। अच्छा, हाँ। फिर मैंने सोचा नहीं नहीं वहां जाके तो मैं 100% ठीक ही हो जाऊंगा। ओके, ये तो बस मुझे शनिदेव के बारे में ही विचार आते हैं। फिर मैं वहां जाने लगा, लाइब्रेरी जाके बैठा, मुझे वही एंजाइटी और मुझे फिर उसी मंदिर के विचार आने लग गए। ओके, हाँ। मैंने अपनी मतलब रिश्तेदारी में नहीं बताया था कि मैं इस कारण, इस समस्या के कारण यहाँ पे पढ़ने आया हूँ। मैंने कहा अच्छा, मैं तैयारी करने आया हूँ। फिर मैंने सोचा अब वहां भी नहीं जाएंगे शहर में, वहां मंदिर है जातिवेर, अब गांव में ही लाइब्रेरी में जाएंगे। ओके, तो फिर गांव में ही लाइब्रेरी में मैं जाने लगा। गांव में भी एक माता रानी का मंदिर बना देते देवता वगैरह। हाँ हाँ हाँ, मैं पढ़ने बैठा, मुझे मतलब मेरे मन ने वो बात पकड़ ली कि उसके बारे में भी आने लगे। अच्छा, फिर मैं दो दिन के बाद तीसरे दिन मैं आ गया अपने घर वापिस। वापिस आने के बाद मैंने एक बुक, मैंने एक खूब सर्च करा टेलीग्राम पे बुक्स का। मैंने बुक पर मैंने एक बुक सर्च करी, दी पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी, आपके अवचेतन मन की शक्ति। मैंने वो भी पढ़ी, बहुत अच्छी के अच्छे तरीका से मैंने वो बुक पढ़ी। लेकिन कंडीशन ये थी, धीरे 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 समय बीतता गया, मतलब मैं एक भी दिन अपनी खुशी मन से उस दिन के बाद सर मैं एक भी दिन अपने खुशी मन से अपनी स्टडी को नहीं दे पाया। एक घंटा पढ़ाओ तो एक घंटा रिलीजियस ओसीडी, और यही मेरे मन में मतलब चलता रहता था। हाँ, फिर उसके बाद मेरे बिहेवियर में भी मुझे बहुत डिफरेंस लगा। हाँ, अपने बिहेवियर में भी। हाँ हाँ, मतलब जब मुझे ओसीडी नहीं थी उससे पहले बिहेवियर और अब बिहेवियर मेरा बिल्कुल बदल चुका है। हाँ हाँ, मेरा बात करने का तरीका मुझे मतलब अलग ही हो चुका है। हाँ हाँ हाँ, फिर सर मैंने आपकी 200 मैम, मैंने बात करी थी मैम जी से। हाँ हाँ, ये इस बुक के बारे में। अच्छा अच्छा, मैंने वीडियो देखी थी आपके, आपने एक लड़के को भी ये बुक दी थी गिफ्ट। हाँ हाँ, मैंने सोची इससे ही बात बन जाए। हाँ हाँ, कोर्स वगैरह न लेना पड़ा क्योंकि घर की कंडीशन ठीक नहीं, वीक है बहुत ही ज्यादा। फिर सर मैंने ये बुक ली। हाँ, मैंने ये बुक, मैम जी ने बोला कि 300 रुपया की है बुक। मैंने मैम जी अपने लाइब्रेरी के फोटो भेजे बुक्स के, मैम जी के पास अब भी होंगे। मैम जी ने 200 रुपये में ये बुक मुझे, मैंने अपने दोस्त को करवा दिए। अभी मैंने अपने दोस्त के वो रुपया भी नहीं दिए, मैम जी ने ये बुक मुझे PDF के रूप में दे दी। मैंने ये पढ़ी, मुझे उससे भी कोई आराम सर नहीं लगा। ओके, तो अभी क्या लगता है आपको इस वक्त? फिर सर मैंने एक मतलब जो इंडिया के मतलब ऑल इंडिया के जो महान मतलब एस्ट्रोलॉजी कहलाते थे, जो भी मतलब दार्शनिक
मैंने उनके ऑडियो लेक्चर सुनने चालू करे। उनका नाम आचार्य रजनीश ओशो, जो कि बहुत अच्छे दार्शनिक है। उनके मैंने वीडियो देखने, उन्होंने बताया कि धर्म जो पाखंड है वो तो श्री कृष्ण से खुद कहते हैं कि तू धर्म वर्म, मतलब श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि धर्म वर्म छोड़, तू मेरे पीछे चल, जैसा मैं कहता हूँ कि धर्म वर्म सब पाखंड है। फिर मैं ओशो के ही मतलब शॉर्ट्स इंस्टाग्राम पे मैं लाइब्रेरी में देखने लगा। मैंने ओशो के प्रवचन थोड़े सुने, लेकिन सर कंडीशन तो मेरी बदल चुकी है, लेकिन मतलब अब क्या फायदा, मेरी मुझे कुछ आराम नहीं लगा सर। फिर मैंने तो मकई तो और आफत खड़ी हो जाएगी, फिर मैंने वो भी सुनने बंद कर दिए। फिर सर मैं आपके यहाँ ऑफलाइन के लिए, पहले मैं सर ऑनलाइन ही कोर्स खरीदा था आपका 3,000 रुपया का, अच्छा एक मंथ के लिए। मैंने सोची यार मेरी तो मेरी सर मेरी कंडीशन एक है, यदि मैं नहीं पढ़ूंगा ना ओसीडी कितनी कर लो आएगी, मुझ पर कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। मुझे कोई मेरी जो ओसीडी कनेक्ट है वो स्टडी से कनेक्ट है, ये समस्या है सर। और सर एक और चीज है, जैसे मैं लाइब्रेरी में पढ़ता था विचार आते थे, मैं किताब छोड़ दूं लाइब बाहर चला जाऊं लाइब्रेरी के, जैसे भी मुझे कोई भी विचार नहीं आएगा, फिर भी विचार नहीं आएगा। और जैसे लाइब्रेरी छोड़ के जैसे जल्दी निकलूंगा घर को, घर जाके विचार नहीं आएंगे कोई नहीं। अच्छा, फिर मन संतावना देता है कि कल ठीक हो जाएगा। अच्छा हाँ, आज नहीं कल ठीक हो जाएगा, कल सुबह जल्दी उठना और पढ़ाई स्टार्ट करना। ऐसे ऐसे बीतते गए दिन, मुझे 5 महीने हो चुके हैं। अच्छा, जब भी लाइब्रेरी जाते हो तब विचार ज्यादा आते हैं? हाँ, उधर कर ही जाता हूँ ना सर मैं। लेकिन मैंने आपकी फिर वीडियो देखी क्या, आप इन जितना बचोगे फिर मैंने सोची रास्ता बदलने की गांव में, अच्छा उधर कर वो मंदिर है इधर कर चला जाऊं। तो मैंने फिर सोची सर आपकी वीडियो देखी तो आप कहते हो कि मतलब आप जितना विचार से बचोगे मतलब डरोगे उतने वो आपको पीछा करेगा। सर मेरी सेक्सुअल मतलब इतनी फीमेल के जो यहाँ आती है ना मुझ पर, मतलब ऐसा लग मेरा माइंड जो यहाँ कनेक्ट होता है यहाँ भी कनेक्ट होता, मतलब मुझे ऐसा लगता है मेरा भी वही चीज है जो फीमेल के यहाँ पे होती है। अच्छा, स्तन वगैरह। हाँ, मैं सर नहाती भी अपने आप से बात करूँ सर, बार बार देखू अपने आप, संतव नहीं मेरे नहीं है, नहीं मेरे नहीं है, जीने पर उतरती भी बार बार, ये चीज है सर। अच्छा, अब भी शनि मंदिर के या किसी भी मंदिर के आसपास नहीं जाते आप? क्या सर? मंदिर के पास जाते हो तो विचार आते हैं? हाँ सर, मंदिर के पास जाते, कोई भी मंदिर हो मन, वो क्या आएगा वो तो मन ने आदत बना ली ना, वो मन वो नहीं वो चीज नहीं तो वो चीज ये है। जैसे जरूरी नहीं कि शनिदेव के मंदिर के पास ही विचार आए। हाँ, किसी भी मंदिर किसी के पास भी मंदिर के पास, लेकिन शुरुआत उसी मंदिर से, शुरुआत शनिदेव से हुई थी। लेकिन बाद में सारे मंदिर, मैं पैदल चल रहा था सर, बैकपैक पैदल से, ऑटोमेटिक ही मेरे विचार आ गया। मैंने सोचा अरे नहीं नहीं यार भगवान के बारे में ऐसे नहीं सोचते, तो मम्मी ने बताई हनुमान चालीसा पढ़ लेकर। अच्छा, ये तो वैसी है, यही चलता रहा सर मेरा। अभी मन में क्या विचार आ रहा है इस वक्त? इस वक्त तो सर नहीं आ रहा, अभी एकदम मन शांत है। हाँ बिल्कुल, आप पूरी तरह से ठीक हो जाओगे। हाँ, एकदम चंद्रगुप्त जी, आपकी समस्या मैं लगभग समझ चुका हूँ। आपकी जो कहानी है एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, आप मुझे बताना भी कोई इसमें मिस्टेक रह गई हो। और सर एक और चीज, मतलब मेरी जो मतलब एकाग्रता जो होती है, हाँ स्टडी सर मेरी बहुत अच्छी स्टडी चल रही थी, मैं ओनली 3 से 4 घंटा सोता था। इस मेरी बहुत मतलब स्टडी ना, मैं तो सर मतलब जैसे एक घंटा कोई सब्जेक्ट पढ़ना है तो बीच में 10 मिनट का ही ब्रेक लेता था, फिर दूसरा सब्जेक्ट। अच्छा, फिर 10 मिनट का ब्रेक दूसरा सब्जेक्ट, ऐसी मेरी पूरी स्टडी चल रही थी। लेकिन मैं और तनाव में जब होता गया, जब मेरी स्टडी नहीं हुई, इस वजह से आज नहीं हुई, ये नहीं मतलब प्रेशर लेता गया और मैं तनाव डिप्रेशन। और सर मैं अकेला ही मतलब अकेला ही जाएगा, चार पाई पे लौट जाता था मतलब घर। अच्छा, अच्छा। हाँ, सिर में दर्द थोड़ा सिर में दर्द हो, सिर में दर्द बहुत होता था। अच्छा। हाँ, मतलब 3-1 महीने तक तो घर के ये बात छिपाई। अच्छा। हाँ,
पिताजी सर मेरे है नहीं, वक्त पर हो गए, माता जी पिताजी सर। इसके अलावा दवाइयां वगैरह? सर मैंने कोई दवाई नहीं खाई आज तक भी। मुझे सर ओसीडी का ही नहीं पता था। अच्छा। हाँ मुझे नहीं, मुझे भी यही नहीं पता, मुझे हो क्यों गई मुझे। आपको पता था नहीं बस? तो सर्च क्या कर रहे थे यूट्यूब में? मतलब सर एकदम से कैसे आपको वीडियो मिली या कैसे पता चला? सबसे पहले सर एक मैडम की वीडियो देखी थी मैंने, शायद वो डॉक्टर भी है। मैं दिखा दूंगा यूट्यूब पर सर्च करके। हाँ, वो आपके आसपास की है? हमारे आसपास सर। हाँ नवेडा गया, मतलब वो हॉस्पिटल वगैरह ऐसी है कुछ। तो सर उनकी वीडियो देखी मैंने, उन्होंने बताई थी कि सर सबसे बड़ी बात है मुझको ये मुझको पता है, खूब जिज्ञासा है मुझे। मुझे हर चीज पता है, ये मतलब विचार के साक्षी बनो, मतलब विचार अलग है आप अलग है। हाँ। दृष्टा बनो, मतलब हाँ, ये ओशो से सीख लिया होगा। ओशो से ये मैंने ही सीखा है जी, विचार के मतलब दृष्टा बनो, लेकिन बना तो नहीं जाता। मैं मतलब जिज्ञासा तो अपने ओर से मैंने जी जान लगा दी 1000%। यहाँ तो मैं जब आया हूँ, जब मेरे घुटने बिल्कुल टिक चुके हैं। अब सारी जगह उम्मीदें हैं वो बंद हो चुकी हैं, बंद हो, लास्ट उम्मीद लेकर के आए हो। हाँ बिल्कुल, आप जैसे ही मैं सवाल मतलब पढ़ रहा हूँ लाइब्रेरी में, जैसे ही क्वेश्चन, अगर कोई बंदा आपस में गाली दे रहा ना, तो वो गाली मुझे ऐसा लग रहा है उस मंदिर के लिए दे रहा। अच्छा अच्छा। हाँ ऐसे सारी चीजें मंदिर से कनेक्ट होती है। हाँ सारी चीजें वहीं से। अच्छा, फिर ये लगता है भगवान के प्रति आप ऐसे गंदे विचार सोच रहे हो तो सजा मिलेगी या कुछ नुकसान हो जाएगा? सजा तो सर मुझे जुखाम तक भी नहीं हुआ 5 महीने। ऐसा डर लगता है भगवान से मंदिर से? फिर डर लगता है सर जब पढ़ने के लिए जाता हूँ। हाँ, कि यार विचार आएगा, पढ़ाई नहीं होगी। अच्छा, पढ़ाई नहीं हो पाएगी। हाँ, विचार और कोई सजा का डर, सजा, पाप का, पुण्य का, नरक का कोई और डर? ऐसा लगता है सर शायद भगवान जी सुन रहे, मतलब अच्छा वो भी कुछ ऐसे ही करवा रहे, ऐसा कुछ लगता है। क्या करवा देंगे वो? मतलब थोड़ा मतलब मंदिर के सामने डर लगता है मूर्ति को देखकर। हाँ मूर्ति, कई बार मैं मंदिर में भी गया हूँ भीतर। हाँ। मैंने देखा अरे तो मंदिर मूर्ति तो पत्थर की है, तो भगवान ने बनाई है। मैंने फिर यूट्यूब पर सर्च करो कि गॉड मेकिंग वीडियोज, मैंने देखी शनिदेव की, तो इंसान ही मूर्ति बना रहा। ऐसे ऐसे मैं अपने मन को तसल्ली देता, थोड़ा बहुत पढ़ता, मैं ठीक नहीं हूँ सर बिल्कुल, मेरी वही कंडीशन है। अभी भी लगता है भगवान कुछ कर देंगे? लगता है भगवान बुरा कर देंगे? हल्का फुल्का लगता है सर। हल्का फुल्का लगता है, बाकी विचारों से ही परेशान हो। विचारों से परेशान हो सर। हाँ, विचार को हटाने की कोशिश ज्यादा करते हो? हाँ, पढ़ने के चक्कर में सर। हाँ, क्योंकि आपको लगता है कि अगर विचार नहीं हटे तो मेरी पढ़ाई नहीं हो पाई। हाँ, आपको पढ़ाई का डर लगता है? मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जैसे मैं लाइब्रेरी में बैठता हूँ और बंदे पढ़ते रहते हैं, मुझे ऐसा लगता है यार। हाँ। मैं ठीक होता, शायद मैं ठीक होता तो मैं भी ऐसे ही पढ़ता। अच्छा। हाँ, और ज्यादा दिक्कत होती उनको देखकर। आप सोचते ज्यादा हो इसके बारे में, बहुत ज्यादा डीप सोचते रहते हो। हाँ डीप। हाँ ओवरथिंकिंग भी चलती रहती है। ओवरथिंकिंग इसकी वजह से मेरे ओवरथिंकिंग भी, और सुबह को ज्यादा ओवरथिंकिंग होती थी उठने से पहले। हाँ, हाँ। सुबह लेट उठने लगा। हाँ। जो 6 बजे उठता था मैं 9 बजे उठने लगा। ओसीडी ने सबसे बड़ा डर आपको यही दिखाया कि पढ़ाई नहीं हो पाएगी। हाँ। इसी कारण से आप इसके आगे हारते जा रहे हो। हाँ, हाँ। क्योंकि आप पढ़ाई से कोई समझौता नहीं कर सकते। पढ़ाई सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए, इसलिए इस उम्र में मेरे लिए। हाँ, सब कुछ आपने दामा दो, जो दारोमदार है वो पढ़ाई पर छोड़ा हुआ है, और ओसीडी को ये आपकी कमजोरी पता है। हाँ। इसीलिए उसने पढ़ाई से संबंधित ही डर पैदा कर, पढ़ाई से संबंधित डर। हाँ हाँ, तो ओसीडी इतनी खतरनाक बीमारी है कि उसको इंसान की कमजोरियां पता होती है। हाँ। और ओसीडी वही वार करती है जो इंसान की कमजोरी होती है। और फिर आपको ये भी लगता है कि भगवान रियल में होते हैं, ये सुनते भी हैं? ये तो सर ओसो से ही सुनो कि ये सोचो कि जो मंदिर में जाएगा, वो जो मंदिर जाएगा वो मस्जिद को तोड़ने की प्रार्थना करेगा, और जो मस्जिद में जाएगा वो मंदिर को तोड़ने की प्रार्थना करेगा। लेकिन आप तोड़ो किसी को, लेकिन आप तोड़ोगे परमात्मा को।
मतलब। और सर ओसो से मैंने ये भी सुना है कि सर मतलब कि इंसान मतलब भगवान जो है मतलब जो इंसान है वो भगवान को नहीं बना सकता, मतलब जिसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया है उसको एक मतलब इंसान नहीं बनाया, इंसान नहीं बना सकता। तो जब भगवान बना ही नहीं सकता तो ये मंदिर में बैठा हुआ कौन है? वो तो भगवान नहीं है। तो इसका मतलब उसके प्रति कोई भी विचार आ जाए तो आपको डरने की जरूरत तो नहीं है, क्या समझे? वही सर बात वो है, समझ में तो मेरी सब कुछ आ रहा है, मुझे सब कुछ पता है, खूब नॉलेज है, खूब जिज्ञासा, हाँ लेकिन फिर भी दिक्कत हो रही है, वही फिर भी विचार आते हैं, समझ में मुझे नॉलेज है, आप अब ये चाहते हो भी विचार ना आए, हाँ विचार नहीं आए। भी हाँ आप यही सोच के आए हो कि मेरे विचार आने बंद हो जाएं और मैं पढ़ाई अच्छे से करूँ, पढ़ाई बस अच्छे से करूँगा। बस इतनी हाँ और आपकी सर मुझे डिमांड है। एंजाइटी भी होने लगी इससे, मतलब हाँ हाँ जब विचार आने लगे तो एंजाइटी होने लगी, फिर ये मतलब पैरों पर ध्यान लिंग पर ध्यान जाने लगा, फिर तो वही मूर्ति आने लगी। अच्छा, जैसे ही लिंग पे ध्यान जाता हाँ है वही तो मूर्ति का ख्याल आ जाता मूर्ति है। का ख्याल आ जाता, और मतलब यहाँ पे जो स्तन होते हाँ 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 ऐसे लगते थे, ये तो चीज अब मेरा हो कम है शायद, लेकिन घनी हालत खराब होगी सर मतलब। अच्छा, जैसे आप अपने स्तनों को देखते हैं तो क्या लगता है? नहीं जैसे मैं नहाता था सर अपने आप से भी बातचीत करता था मतलब। ना, हो जाता है, आप निश्चिंत रहिए, सारी चीजें आपकी हल हो जाएंगी, तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो रहे, ना घबराना है ना सोचना है कि ये गलत है सही है, गलत सही कुछ भी नहीं है, मन है, मन है। इसके अंदर कोई भी विचार आ सकता है, कोई भी विचार फंस सकता है, तो आपने अब ये नहीं सोचना कि मेरी गलती है, ओसीडी हुई है, इसमें आपका फॉल्ट नहीं है, ये आपकी गलती नहीं है, आप अपराधी या दोषी नहीं हो, ये बात आपको याद रखनी है, क्या समझे? हमारा मतलब हमारा अपने को दोष नहीं देना। हाँ, तो आप दोषी नहीं हो, पहली बात तो अपने आप को ढीला छोड़ दो, स्वतंत्र छोड़ दो, आजाद छोड़ दो, कि ओसीडी अलग है, आप अलग हो। ओसीडी सिर्फ और सिर्फ आपको इसलिए परेशान कर रही है क्योंकि आप ओसीडी के साथ बातें करते हो, इसको वैल्यू देते हो, जब आप इसको वैल्यू देना या इससे उलझना बंद कर दोगे, ये अपने आप छोड़ के चली जाएगी, तो अब आपने लड़ना नहीं है, उस तरीके से नहीं लड़ना जिस तरीके से आप भाग भाग रहे थे, अब सीधा सीधा मुकाबला होगा, वो मुकाबला करना मैं आपको सिखाऊंगा, आप एकदम ओके हो जाएंगे। नहीं यही बात, और सर और भी बात, तो हाँ चलो, इसके अंदर ही ऐड कर और दे। बात यही सर मतलब इतनी हो गई मतलब हाँ मदर्स के बारे में भी, और जो मतलब सबके बारे में भी मतलब थॉट आने लगे, मतलब अच्छा, अब सेक्स जैसे माँ के प्रति भी आ माँ के जाते हैं, प्रति भी और जो भी है मतलब। सिस्टर या कोई और महिला हाँ है उसके महिला है प्रति, सबके। कोई बात नहीं, वो भी निकल जाएंगे आपके, आप शर्माओ मत, चाहिए देखो किसी के भी आ सकते हैं, कोई भी मेरे भी आ सकते हैं, किसी के भी आ सकते हैं ना, तो आपने अपना दोष नहीं ढूंढना है, ये विचार आ रहे हैं तो आप दोषी हो गए, आप दोषी नहीं हो, देखो तो सर्दी हो जाए जुकाम हो जाए तो इसमें इंसान की गलती है, वो तो वायरस है तो होगा ना, तो वैसे ही ये ओसीडी के वायरस ही तो होते हैं, कुछ बातें हम सीख लेते हैं बचपन से तो वो वायरस एक्टिव हो गया तो ओसीडी हो जाती है, कुछ लोगों के अंदर वो बचपन से सीखे हुए जो डेटा है वो वायरस रूपी डेटा वो एक्टिव नहीं होते तो उनको नहीं होती, तो आप दोषी नहीं हो, माँ के प्रति या किसी और महिला के प्रति आपके मन में विचार आए तो आप गंदे नहीं हुए, आप गलत नहीं हुए, आप एक नॉर्मल हो, आप नॉर्मल ही रहोगे, हमेशा पवित्र थे, हमेशा पवित्र ही रहोगे, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है? और कोई? नहीं और कोई नहीं सर, ठीक है। एक थोड़ी एंजाइटी बढ़ने लगी, घबराहट, हाँ, चिंता, डिप्रेशन थोड़ा। वो तो इसके परिणाम है ना, असली जड़ तो विचारों में है ना। मतलब जैसा खुशहाल जीवन था 5 महीने पहले ऐसा नहीं है कुछ भी। हाँ, हाँ अलग ही हो गया सब कुछ। वो तो ओसीडी फिर जीवन को ट्रैक से उतार देती है ना, इसीलिए ये डिसऑर्डर है कि पहले ऑर्डर में सारी चीजें हो रही थी, अब वो ऑर्डर भंग हो चुका है, नो टेंशन।
महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।